स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि स्लैब का स्टील कैसे साइट पे बांधते हैं, प्लेस कराते हैं। ओके, प्रॉपर वे क्या होना चाहिए, सही तरीका क्या होना चाहिए। घर तो लोग बनाते हैं, लेकिन नॉलेज की वजह से, जानकारी की वजह से गलत कर देते हैं। जो कंट्रैक्टर करता है, जो मेसन करता है, वहीं होने देते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि साइट पे जो स्टील जो प्रोवाइड करते हैं इसमें, तो कैसे होना चाहिए। वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है, वन वे स्लैब में स्टील कैसे प्रोवाइड करते हैं, टू वे स्लैब में कैसे प्रोवाइड करते हैं, पूरा डिटेल मैं बताने जा रहा हूँ। एक मैं एक प्लेलिस्ट अलग से बना दिया हूँ कि घर कैसे बनाएं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो आज जो स्टील देख रहे हैं प्लेस किया जा रहा है बारबेंडर के द्वारा, तो इसका एक शेड्यूल होता है, प्रॉपर तरीका होता है कैसे साइड पे वन वे स्लैब का स्टील बांधा जाए और कैसे टू वे स्लैब का, मिनिमम स्पेसिंग कितना होना चाहिए। ओके, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना होना चाहिए, कितने एमएम का स्टील प्रोवाइड करें, ये पूरा डिटेल मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देखें। ओके, इसका और सारे वीडियो बन चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख लें। देखिए स्टील प्लेस किया जा रहा है, बांधा जा रहा है, अभी क्रैंक यहां पे उठाया नहीं जाएगा, पूरा आपको मैं डिटेल में बताता हूं। ओके, वीडियो लास्ट तक देखें। सिविल साइट नॉलेज को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक मेरा यही आप सबसे रिक्वेस्ट है। देखिए जब हम स्लैब की बात करते हैं तो मेनली स्लैब दो टाइप का होता है, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। ओके, तो वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में अंतर क्या है ये मैं आपको बता दूं। देखिए एल बाई बी का रेशियो, एल क्या हो गया आपका लेंथ, लंबाई। ओके, बी आपका ब्रेथ, चौड़ाई हो गया। ओके, तो एल बाई बी का रेशियो अगर लंबाई में चौड़ाई से भाग देंगे तो दो से छोटा या दो के बराबर आता है। देखिए दो से छोटा आता है, सॉरी दो से छोटा आता है, उसको बोलते हैं टू वे स्लैब। और एल बाई बी का रेशियो दो से बड़ा या दो के बराबर होता है तो वन वे स्लैब। ओके, एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, फिर आपको मैं स्टील डिटेल बताऊंगा कि मान लिया जाए कि जो स्लैब आपको, मान लिया कि एक रूम का साइज है, ये आपका हो गया 6 फीट चौड़ाई, ये हो गया आपका 12 फुट। तो देखिए लंबाई कौन है, ये लंबाई भट्टे में चौड़ाई कर दीजिए 6, तो ये कितना हो गया 2। क्लियर? तो ये 2 क्या है, 2 इसमें आ गया ना, 2 के बराबर है या 2 2 से बड़ा रहेगा तो वन वे स्लैब, तो ये वन वे स्लैब होगा। इसका स्टील डिटेल हम अपन समझेंगे वन वे स्लैब। अगर टू वे की मैं बात करूं तो जब आप डिवाइड करेंगे, मान लिया जाए ये 12 है, यहाँ 6 है, तो एक एग्जाम्पल और अपन को समझाते हैं, समझते। देखिए ये मान लीजिए ये 8 फीट है, ये 12 फुट है। ओके, तो ये भाग दीजिए 12 डिवाइडेड बाई 8, तो ये क्या होगा आपका 2 से कम आएगा, तो 2 से कम आएगा तो ये क्या हो गया, 2 से छोटा हो गया, तो ये आपका टू वे स्लैब। दोनों का स्टील डिटेल अपन समझेंगे। देखिए स्टील डिटेल समझते हैं पहले वन वे स्लैब का, ये सेक्शन है आपका। ओके, तो वन वे स्लैब का मैं यहां फिगर बनाता हूं, आप समझिएगा। देखिए देखिए वन वे स्लैब, ध्यान दीजिएगा, क्लियर? ये देखिए वन वे स्लैब, ये जैसे कि ये 6 फीट है और ये आपका 12 फुट लंबाई हो गया। क्लियर? तो अब देखिए शॉर्टर स्पान कौन है, शॉर्टर स्पान मतलब ये शॉर्टर, तो ये जो देख रहे हैं आपका ये रेड कलर का, ये बार, ये मेन बार होता है, क्या है था? मेन बार, मेन बार बोलते हैं, और डॉटेड जो लाइन रहता है इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं। ओके, तो मेन बार हमेशा शॉर्टर स्पान के थ्रू रहेगा, नीचे में रहता है, ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए ये वन वे स्लैब है तो ये बीम रहेगा, यहाँ पे एक बीम जरूर रहेगा, ये बीम है आपका।
ओके ये इनर टू इनर 6 फीट है, ध्यान दीजिएगा इनर टू इनर डायमेंशन जो है आपका 6 फुट है। इधर से भी बीम हो सकता है लेकिन वन वे स्लैब में कोई जरूरी नहीं है कि चारों तरफ से बीम हो, यानी दो बीम है तो चलेगा ये और ये बीम, ओके। लेकिन जरूरी नहीं है कि वन वे स्लैब में चारों तरफ से बीम हो, लेकिन मैं यहां बना देता हूं, ओके। देखिए आप क्या करेंगे कि इसमें स्टील क्या होगा, क्रैंक एक प्रोवाइड करते हैं, ये जो है आपका क्रैंक प्रोवाइड। तो क्रैंक प्रोवाइड कैसे होता मैं आपको बता दूं, जो इनर टू इनर जो डायमेंशन होता है L/4 लेते हैं, L/4 यानी कि हम 6/4 करेंगे, ओके। तो जो भी आएगा यहां देखिए, मान लीजिए यहां से यहां एक बार मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ध्यान दीजिए ये मेन बार और यहां क्रैंक उठेगा और ये टॉप में यहां पे चला जाएगा, यही वाला बार देख रहे हैं ये, और ये इधर से आएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये मेन बार हो गया। यहां से जस्ट इस फेस से स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां से हमने स्टार्ट किया और ये मैं आपको पेन चेंज कर देता हूं, आपको समझने में आसानी होगा। ये देखिए ये, अब ये दोनों के बीच का दूरी ये अल्टरनेट बेंट अप रहेगा और इसके बीच में एक स्ट्रेट बार होगा, सीधा बार रहेगा एकदम स्ट्रेट बार, ओके। और ये दोनों के बीच का जो दूरी होगा ये कम से कम आपको रखना है 6 इंच, 6 इंच से ज्यादा स्पेसिंग न रखें और 8 mm का स्टील होना चाहिए। और ये कहां तक रहेगा, यहां तक रहेगा बीम का कवर माइनस करके, क्लियर। फिर एक स्ट्रेट बार आएगा, देखिए मैं यहां पे एक स्ट्रेट बार आएगा, ठीक है। फिर आपका क्रैंक बार आएगा, क्रैंक इसे मैं, ठीक है क्लियर। फिर एक स्ट्रेट बार यहां देखिए मैं बना देता हूं, एक स्ट्रेट बार फिर एक क्रैंक बार, ध्यान से देखिएगा ऐसे ही आपको साइड पे प्लेस कराना होता है। फिर आपका एक क्रैंक बार, फिर एक स्ट्रेट बार, इसी तरह इसका स्पेसिंग जो होगा 6 इंच, 150 mm सेंटर टू सेंटर आप रख सकते हैं, इसे ज्यादा न रखें, 8 mm डाया बार होना चाहिए। फिर एक स्ट्रेट बार, फिर एक क्रैंक बार, क्लियर। यहां और देखिएगा और आपको कैसे, देखिए ये आपका एक स्टेप बार, ध्यान दें। अब क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये डॉटेड जो पॉइंट दिख रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैं इस पेन से डिनोट कर देता हूं आपको। डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होगा एकदम देखिए यहां पे भी, यहां एक स्टेट बार आएगा, यहां से स्टार्ट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन आएगा यहां, ध्यान दीजिए। और ये जो दूरी है यहां से जो क्रैंक उठा है L/4 है, L/4 दूरी पे, और यहां से यहां तक जो होगा ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये वाला जो डॉटेड पॉइंट यही डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका भी स्पेसिंग जो होगा आपका सेम 6 इंच सेंटर टू सेंटर यहां से कवर देकर आएगा। यहां पर देखिए सिंगल जाली बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब यहां ये ध्यान दीजिए जो क्रैंक उठा है, जिसे यहां पे ध्यान दे रहे हैं ना ये बॉटम में, इसके अंदर मैं डॉटेड से प्रोवाइड कर रहा हूं, ये डॉटेड से देखिए अंदर रहेगा, नीचे बॉटम में रहेगा, यहां डबल मेस प्रोवाइड किया जाता है जहां क्रैंक उठता है, देखिए ये डॉटेड ये एकदम सीधा, ये सीधा नीचे रहेगा, देखिए यहां ये वाला जो देख रहे हैं इसी को मैं यहां इंटर कर रहा हूं, यहां पे आपको दर्शा रहा हूं, ओके। अब देखिए ये हो गया आपका नीचे पूरा कंप्लीट, इसी तरह इधर भी रहेगा डॉटेड, इसका स्पेसिंग सेम रहेगा, देखिए डॉटेड कर दे रहा हूं, डॉटेड मैं इसलिए कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए जो क्रैंक हुआ यानी कि यहां से यहां तक जो क्रैंक का दूरी हुआ L/4 और ये बीच का जो दूरी होगा L/2, L क्या है इनर टू इनर डायमेंशन, यहां 6 रखेंगे तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो यह 3 फीट होगा और इधर 1.5 फुट 1.5 फुट इधर, क्लियर। अब देखिए अब एक होता टॉप एक्स्ट्रा, यहां तो ये बॉटम हो गया, ओके। तो टॉप एक्स्ट्रा ये, तो ये कितनी दूरी पे होता है, ये इसको बाइंडर भी बोलते हैं। और एक होता है टॉप एक्स्ट्रा, देखिए यहां पे ध्यान दीजिए ये जो स्ट्रेट बार है तो ये तो नीचे बीम के रहेगा, जिसे आपका एक हो गया ये बीम हो गया, समझिए क्रैंक बार आपका टॉप में क्रैंक होकर चला जाता है, ऐसे
टॉप में चला जाता है क्रैंक बार, एक स्टेप तो नीचे रहता है। तो यहाँ पे हम एक टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, डॉटेड से मैं प्रोवाइड कर दिखा रहा हूँ आपको, जहां जहां स्टेट रहेगा वहां वहां डॉटेड। यहाँ पे मैं पेन थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये टॉप एक्स्ट्रा, इसका शेप यहाँ पे ऐसे रहेगा, यहाँ पे देखिए टॉप एक्स्ट्रा, ये देखिए। तो इसका लेंथ कितना रहता है, ये देखिए टॉप एक्स्ट्रा, तो ये लेंथ रहता है टॉप एक्स्ट्रा का लेंथ, यहां से टॉप एक्स्ट्रा एल बाई थ्री, इधर से भी एल बाई थ्री, इधर से दोनों तरफ से टॉप एक्स्ट्रा रहेगा, यहां पे टॉप एक्स्ट्रा रहेगा, ये टॉप एक्स्ट्रा। इसका जो स्पेसिंग रहेगा जस्ट डबल, देखिए ये अगर ये मान लीजिए ये क्रैंक है और ये स्टेट बार, इसके दूरी कितना 6 इंच, तो ये 1 फुट रहेगा, यानी 1 फुट सेंटर टू सेंटर रहेगा। देखिए यहां तो टॉप एक्स्ट्रा आएगा नहीं, यहां आएगा टॉप एक्स्ट्रा, तो इसलिए इसका स्पेसिंग बढ़ जाएगा, ठीक है, ये टॉप एक्स्ट्रा। जैसे ही हम टॉप एक्स्ट्रा चारों तरफ प्रोवाइड देंगे, तो यहाँ पे देखिए ये टॉप एक्स्ट्रा है, ये टॉप एक्स्ट्रा, ठीक है, क्लियर। ये देखिए ये टॉप एक्स्ट्रा, देखिए यहाँ पे भी टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया, यहाँ पे भी टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे, ये हो गया, ओके। देखिए ये डबल, अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि ये तो टॉप एक्स्ट्रा हमने प्रोवाइड कर दिया, ये टॉप एक्स्ट्रा, अभी देखिए हमने बॉटम का प्रोवाइड किया, ये डॉटेड वाला ये, लेकिन ये जो बाइंडर है बाइंडर प्रोवाइड नहीं किया है। बाइंडर क्या होता है कि जस्ट इसी के ऊपर में बाइंडर प्रोवाइड किया जाता है, इस दूरी तक एल बाई थ्री तक। तो हम यहां से बाइंडर एक प्रोवाइड करेंगे, पेन को मैं चेंज कर देता हूं आपको समझने में, ये इसको देखिए ये बाइंडर है, ये एल बाई थ्री डिस्टेंस तक आएगा ये बाइंडर, ध्यान दीजिए। ये टॉप डबल मेस बनेगा, इसी के बीच में रहेगा, देखिए जस्ट यहाँ पे। इसका स्पेसिंग आप सेम रख सकते हैं, यानी 200 पे रख सकते हैं, 8 इंच पे रख सकते हैं, ये देखिए, ओके। तो ये आपका हो गया, ये अभी जो मैंने बनाया ये बाइंडर, इसका स्पेसिंग 8 इंच रख सकते हैं सेंटर टू सेंटर, टॉप एक्स्ट्रा का 12 इंच रख सकते हैं सेंटर टू सेंटर। तो यही इसमें क्या क्या प्रोवाइड किया, देखिए यही यही हो गया आपका, सॉरी ये बाइंडर हो गया, ये तो ये जो है आपका बाइंडर टॉप, इसको बाइंडर से मैंने डिनोट किया, ये बाइंडर है, ओके। टॉप एक्स्ट्रा आपका ये है, टॉप एक्स्ट्रा कितना तक, एल बाई थ्री तक। ध्यान दीजिए लोग गलती क्या करते हैं कि जो टॉप एक्स्ट्रा जो यहां से यहां तक आता है एल बाई थ्री पे आता है, और इसी पे आपको बाइंडर बांधना होता है, और यहाँ पे डबल मेस बनता है, देखिए इस पोर्शन में डबल मेस बनता है। तो इस पोर्शन में जब डबल मेस बनता है तो यहाँ पे चेयर प्रोवाइड करते हैं, घोड़ी प्रोवाइड करते हैं, ताकि दोनों स्टील बॉटम स्टील और टॉप स्टील का डिस्टेंस को मेंटेन रखे, इस यहीं पे घोड़ी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह हम वन वे स्लैब का स्टील प्रोवाइड करते हैं। अगर टू वे की मैं बात करूं तो टू वे में ध्यान दीजिए सेम प्रोसेस होता है, टू वे में दोनों तरफ, ये नहीं देखिए मैं बता दूं, इधर से भी क्रैंक आएगा, ये क्रैंक बार हो गया, और इधर से भी क्रैंक बार प्रोवाइड किया जाएगा, सेम प्रोसेस, टॉप एक्स्ट्रा बॉटम एक्स्ट्रा सब रहेगा सेम, ये चारों तरफ से क्रैंक प्रोवाइड होगा, यानी कि इधर भी बीम रहेगा, इधर भी बीम, इधर भी बीम और इधर भी बीम, यानी कि चारों तरफ से बीम देना इसमें जरूरी होता है। और टू वन में स्लैब में 2 बीम रहेगा तो चलेगा, क्योंकि इस बीम पे लोड आता है, ओके। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, जब घर बनाते हैं तो सिंपल ऐसे स्टील बिछा देंगे ऐसे और स्लैब को कास्टिंग करते हैं, जी नहीं, ये प्रोसेस गलत है, आपको ऐसा ही करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। जैसा कि मैंने बताया उस प्रकार यहाँ पे वर्क कराया जा रहा है, तो आप जब भी घर बनाए तो क्रैंक जरूर प्रोवाइड करें, सीधा डायरेक्ट जाली नब बिछाकर स्लैब कास्टिंग करें, जैसा कि आपने देख लिया उसके अकॉर्डिंग ये वर्क कराया गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, कंप्लीट स्लैब डिटेल मैं आपको लाऊंगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।